ए भी डिस्क ब्लेड है, ए भी डिस्क ब्लेड है। तो इस ग्राइंडर मशीन में आप कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में हेलो बात गाइस, करेंगे। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सीटेक फर्नीचर। सो गाइस, आज हम बात करेंगे जो ग्राइंडर मशीन में जो ब्लेड यूज होती है, ब्लेड ऐसी कि जो कटर ब्लेड नहीं, और भी कई तरह ब्लेड होती है, जैसे टाइल्स काटा जाता है वो भी ब्लेड होती है, स्टील काटी जाती है वो भी एक ब्लेड होती है, और भी कई तरह के पेपर होते हैं। मैं ऐसे तीन चार पेपर के बारे में बात करूँगा आपको, जो कि कारपेंटर काम में अक्सर यूज होता है। तो आप हमारे वीडियो बना रही है कंटिन्यू वॉच कीजिए और देखिए एक ग्राइंडर मशीन में कितने तरह का डिस्क और वो डिस्क सेटिंग करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ता है। हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सीटेक फर्नीचर। सो गाइज, आज हम बात करेंगे इस ब्लेड के बारे में, जो कि ये डिस्क है, ये ब्लेड है, ये भी डिस्क ब्लेड है, ये भी डिस्क ब्लेड है। तो इस ग्राइंडर मशीन में आप कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करूँगा। हालांकि इस ब्लेड के बारे में एक पहले वीडियो बना चुका हूँ और इसका परिचय भी करा चुका हूँ, ये कौन कौन से काम में आते हैं, इसके लिए कौन सा नट बोल्ट यूज होता है। तो आइए हम बात करते हैं, बात करेंगे इस डिस्क के बारे में। जो हमारे नए कारपेंटर भाई हैं उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी है। इस तरह का पैड आता है, तो क्या कीजिए, आप डायरेक्टली इसमें इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने के बाद में इस पेपर को रखिए, उसके बाद इस तरह का आता है, देख रहे हैं, ये चक है, नट भी बोल सकते हैं इसको। इसको थोड़े से टाइट कीजिए, बाद में पीछे क्लिप होती है, स्विच होता है, इसको प्रेस करके अब इसको अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए। ये टाइट हो गई हमारे। तो ये पेपर जब भी यूज करना हो ग्राइंडर मशीन में, तो आप इन इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप इसे यूज कर सकते हैं, जो कि मार्बल कटिंग काम में आता है। इसको इसमें कैसे यूज करें, तो आप देखिए कुछ इस तरह का नट बोल्ट आता है, इसे चक भी कहते हैं। वो देखिए इस तरह का एक गड्ढा है दोनों साइड में मशीन में, देखिए गड्ढे है, सेम गड्ढा है। तो ये वाला जो डिक्स है, सॉरी, ये वाला जो चक है, पहले इसके अंदर डालें, जब इसमें बैठ जाए उसके बाद में क्या करें, ये डालें इसके अंदर। अब डालने के बाद क्या करें, अब ये तो इसके अंदर बैठेगा नहीं, ये बिल्कुल ढीला है, हालांकि इसका होल बड़ा है और इसके लिए यहाँ पे इसका जो साइज दिया गया है वो छोटा दिया गया है। तो क्या करें, कुछ इस तरह का रिंग आता है, तो रिंग क्या करें, पहले इसके अंदर डाल दें। अब ये रिंग डाल देंगे तो बिल्कुल इसके बराबर में हो जाएगी, यानी कहीं भी ये अगल बगल साइड में नहीं होगा। फिर ये वाला जो गड्ढा वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये गड्ढा वाला थोड़ा अंदर गड्ढा है, ये थोड़ा बाहर की तरफ में उभरा हुआ है, देख रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा नीचे तरफ करें और ये वाला हिस्सा ऊपर तरफ में। फिर इसको धीरे धीरे इसको राइट साइड घुमाते हुए टाइट करें, और जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसको पुश करके लॉक करें, लॉक करने के बाद में इसको टाइट करें। अब ये बिल्कुल हमारे ब्लेड टाइट हो चुकी है, अब इसको बराबर हम यूज कर सकते हैं मार्बल कटिंग काम में, ठीक है। फिर इसको वापस खोलने के लिए इसको प्रेस करें स्विच को, खोल लें, जब थोड़ी सी ढीली हो जाए तो इसको वापस खोल के इसको डालें। ध्यान दें कि बगैर रिंग के ये यूज नहीं करें, नहीं तो क्या होगा, ये बराबर चलेगी नहीं, वाइब्रेशन ऐसे आगे पीछे करेगी, आपका हाथ भी कट सकता है, ठीक है। तो ये बातें ज़रूर ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले डिस्क का, ए बी डिस्क है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब इसको भी यूज करने के लिए देख रहे हैं, ये भी ढीला है यहाँ से, तो ये रिंग यूज नहीं करेंगे, ध्यान देना चाहिए आपको, ये रिंग सिर्फ उसमें यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। इसके लिए दूसरा एक आता है प्रॉपर, ये प्लास्टिक का रिंग आता है, जो कि जब भी आप ब्लेड परचेस करेंगे तो कंपनी वाला साथ में देता है रिंग, तो ये रिंग को इसके अंदर थोड़ा दबा कर पोस्ट कर दें, तो इस कुछ इस तरह से आपका लेवल हो जाएगा बैक साइड से। उसके बाद से इसमें
इंसर्ट करें और देखिए इसके साइज़ के हिसाब से बिल्कुल फिट हो गया। फिर वही नट जो चक है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, पीछे गड्ढे रहेंगे, थोड़ा सा अंदर में गड्ढा है और बाहर साइड थोड़ा उभरा हुआ है, तो इसको टाइट करें आप। फिर इसको वैसे ही टाइट करें जैसे मैंने पहले बताया था, पीछे वाले स्विच को लॉक करें दबा करके और इसको टाइट कर दें। टाइट हो गया, खोलने के लिए भी सेम वही काम करें, स्विच को दबाएं और लेफ्ट साइड को घुमाते हुए इसको खोल दें। ध्यान दें हमेशा लेफ्ट तरफ खुलती है, राइट तरफ टाइट होता है। अब बात आती है एक कटिंग ब्लेड की, जो कि लोहे स्टील कोई भी धातु हो, ब्रास हो, कॉपर हो, आप इसे आसानी से काट सकते हैं। तो ध्यान दें ये इस तरफ एक स्टील लगा हुआ है, एक वाशर टाइप का, हालांकि ये थोड़ा सा कवर किया हुआ है अंदर से, देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा कवर किया हुआ है साइड से। तो इसको कभी ऐसे नहीं लगाएं ऊपर तरफ करके, इसको हमेशा वाशर को नीचे करें ताकि इस पर बराबर बिल्कुल फिट हो जाए। वह देखिए इसके होल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। फिर वही चीज़ ऐसे टाइट करें, लेकिन इसको टाइट करने के ध्यान दें ज़्यादा टाइट ना करें, इसको पुश कर बिल्कुल हल्के हाथों से मेरी टाइट करें, फिर इसे इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इस तरह से आप अलग अलग डिस्क को इस मशीन में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से नट बोल्ट की आवश्यकता होती है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।